हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मानंद। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें, हम बात करने वाले हैं आपकी सीबीएसई जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट्स 2020 के कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लास्ट वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर आप नेक्स्ट का लाइए, जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ लाइए, कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसकी सदस्यता ले लें और आपको वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा एक बेल आइकन, घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है लाइक, तो इसको प्लीज लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई एंड आपकी कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के डाउट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ डाउट्स आए सामने निकल के, मैंने वीडियो डाली थी, तो उनको सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में डाउट आ रहे थे कि सर आपने बताया है यहाँ पर जो कट ऑफ बताया है सीनियर असिस्टेंट्स का, तो यह क्या नंबर वाइज बताया है या फिर आपने मार्क्स वाइज बताया है, मतलब कि आपने क्वेश्चन वाइज बताया है कि क्वेश्चन इतने सही होने चाहिए या फिर क्वेश्चन के जो इतने नंबर मिलने वाले हैं वो बताया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बता दूं, एक कॉमन सेंस की बात भी है कि आपका 50% मैंने वहां पर कवर नहीं किया किसी भी कट ऑफ में, चाहे फिर वो आपका यूआर का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, सभी 50% के नीचे है। कहने का मतलब तो वहां पर नंबर की बात की गई है, क्वेश्चन नंबर, ना कि आपके मार्क्स, है ना। और आप लोगों के लिए मैंने वहां पर 5 से 10 नंबर इंक्रीज करके बताए हैं नॉर्मलाइजेशन के। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हाई लग रहा है तो आप 5 से 10 नंबर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के जोड़ रहे हैं, वहां पे थोड़ा उसको लेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं आपके जूनियर असिस्टेंट्स का कट ऑफ डिस्कस। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात करने वाले हैं आपकी जूनियर असिस्टेंट्स के कट ऑफ की। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी यूआर कैटेगरी का कट ऑफ। अब फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट से आप मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यदि ला रहे हैं कितने क्वेश्चन राइट करते हैं आपके 65 से लेकर 70 के बीच। जी हाँ दोस्तों, 65 से लेकर 70 के बीच यदि आप यूआर कैटेगरी से नंबर सही करते हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% डन है। अब आप लोगों के लिए मन में डाउट ना आए तो इसलिए आपको बता दें, यहाँ पर बात करें नंबर की, तो दोस्तों आप नंबर करते हैं 130 से लेकर कितने आपके 140 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 101% डन है, आपको यहाँ पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूआर कैटेगरी से आपके क्वेश्चन 65 से लेकर 70, आपके नंबर 130 से लेकर 140। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं अगली कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके, क्या जूनियर असिस्टेंट ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके कट ऑफ की जाने की पूरी पूरी संभावना है कितनी। जी हाँ दोस्तों, 63 से लेकर आपके 69 क्वेश्चन तक। जी हाँ दोस्तों, 63 से लेकर 69 के बीच यदि आप इतने क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 101% होने वाला है। यदि हम बात करें कि सर नंबर, तो दोस्तों आप नंबर यहाँ पर डबल कर सकते हैं, जैसे कि पता है आपको आपका 100 क्वेश्चन का पेपर था और आपके नंबर थे कितने, 200। यहाँ पर आपके मार्क्स आप इंटू करेंगे तो 126 से लेकर आपके निकलेंगे कितने, आपके नंबर निकलेंगे 138 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन भी कोई रोकने वाला नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, मतलब कि आपके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जोरों शोरों से कर दें, क्योंकि दोस्तों यदि आप टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन होना मुमकिन नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए आज से और अभी से इतने मार्क्स से 100% एक्यूरेसी के साथ तो आप बेझिझक होकर अपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें।
जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट डिफिकल्ट है, लगता है कि निकल जाएगा, लेकिन आप जब बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइपिंग टेस्ट में कितनी दिक्कत जाती है। वहाँ पर स्पीड मेंटेन करना बेहद डिफिकल्ट होता है, आपको करना होगा 35 मिनट्स, है ना, 35 पर मिनट आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट करना होगा, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आपका देखते हैं किसका ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, कि आखिरकार यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके जूनियर असिस्टेंट्स में कितने नंबर आना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके ओबीसी की। फ्रेंड्स यदि आप जूनियर असिस्टेंट से ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर होने चाहिए दोस्तों कितने, राइट? जी हाँ फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन होने चाहिए एक यहाँ पर 60 से लेकर आपके 65 के बीच। यदि आपके इतने क्वेश्चन राइट हैं तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, यू आर सेफ, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा यदि आपके इतने मार्क्स 100% एक्यूरेसी के साथ सही हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर नंबर कितने, तो दोस्तों यहाँ पर नंबर की कछु बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पर इंटू करना है 2 से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो आपके मार्क्स निकलेंगे कितने, 120, 60 का दोगुना 120 और 65 का दोगुना 130, आपके इतने नंबर सही हैं। तो बिल्कुल बेझिझक होकर नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे जाना कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके जूनियर असिस्टेंट्स में 60 से लेकर 65 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है, और आपके मार्क्स की बात करें तो 120 से लेकर 130 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है, फिर तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके किसका एससी और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके एससी कैटेगरी का कट ऑफ, की आखिरकार क्या जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और आपकी कैटेगरी है क्या एससी, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर नंबर सही होना अनिवार्य है कितने, 55 से लेकर दोस्तों आपके नंबर होने चाहिए 60 के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, 55 से लेकर 60 के बीच यदि आपने क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है, इतने लेकिन 101% एक्यूरेसी के साथ होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इससे कम है और आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 50% तो आपका यहाँ पर लाना अनिवार्य है, जब आप 50% से नीचे चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। यही बात आपके जो सीनियर वाले हैं वहाँ पर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला नहीं था कि आपके क्वेश्चन हैं क्या, आपके मार्क्स हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि यहाँ पर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं ना कि नंबर, और नंबर आप यहाँ पे इंटू कर लेना तो आपके नंबर निकलेंगे 110 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ दोस्तों 120 के बीच। यदि इतने राइट हैं तो आपका सिलेक्शन डन है, आप बिल्कुल तैयारी करें आपके नेक्स्ट लेवल की, है ना, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी अभी से लग जाए। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जाना कि एसी से आपके 55 से लेकर 60 या फिर 110 से लेकर 120 होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं एसटी, जो कि लास्ट कैटेगरी है। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपकी लास्ट कैटेगरी जो कि है एससी एसटी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जूनियर असिस्टेंट्स में क्वेश्चन राइट किए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों यदि आपने क्वेश्चन बनाए हैं आपके 52 से लेकर कहाँ तक, जी हाँ फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन राइट किए हैं आपके 57 के बीच, इतना स्कोर आपने गेन किया है, तो फिर आप नो टेंशन नो फिकर वाली कंडीशन में हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन होने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके मार्क्स की, तो दोस्तों आप यहाँ पर इंटू करेंगे तो आपको निकल के आएगा 104 से लेकर आपके 114 के बीच, ये हैं आपके मार्क्स और वो हैं आपके क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर डिफरेंस क्लियर है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर हर एक कैटेगरी का कट ऑफ जान लिया, चाहे फिर वो आपकी कौन सी यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, मैंने यहाँ पर वन बाई वन करके हर एक का कट ऑफ आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अभी से जी जान से तैयारी करें आपके बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट की, बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट सोचते हैं कि हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइम निकल जाता है, और आप बिल्कुल पीछे ना रहें, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी से
कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं, इतने मार्क्स हैं तो। जी हाँ दोस्तों, इससे ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन कम है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं विद नॉर्मलाइजेशन के आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में तो नॉर्मलाइजेशन बता दिया था, लेकिन दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर 1 से लेकर 2 नंबर बढ़ सकते हैं आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में। तो आप टेंशन ना लें, यदि इतने हैं, इतने से थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन में बड़े आराम से देख लेंगे कि 2 से लेकर 5 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। यदि वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करते जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।